जसपुर में बीजेपी प्रधान संगठन ने बैठक की है। बैठक में लोकसभा चुनाव में नैनीताल लोकसभा सीट पर प्रत्याशी को लेकर चर्चा की गई है, जिसमें नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से अरविंद पांडे को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की गई है। वहीं दूसरी तरफ वर्तमान सांसद अजय भट्ट का विरोध किया गया है। बीजेपी प्रधान संगठन अध्यक्ष ब्रह्मानंद लाहौरी ने कहा कि लोकसभा सीट पर पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान में गदरपुर विधायक अरविंद पांडे को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की गई है, क्योंकि वे हर गरीब की समस्याओं को सुनते हैं, जहां बुलाया जाए वहां पहुंचते हैं। वर्तमान में मौजूदा सांसद ने 5 वर्षों में सिर्फ जसपुर विधानसभा में सरकारी अस्पताल में एक एक्सरे मशीन लगवाई है। इसके अलावा उन्होंने किसी भी गाँव में कोई विकास के कार्य नहीं किए हैं। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रधान संगठन आज जो इकट्ठा हुआ है, वो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो लोकसभा का चुनाव है उसमें जो प्रत्याशी होने चाहिए, जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं माननीय अमित पांडे जी, हम सब प्रधानों को मांग रहे हैं कि अमित पांडे जी को हमारे लोकसभा का प्रत्याशी होना चाहिए। क्यों होना? वो हर गरीब की समस्या सुनते हैं, हर क्षेत्र में पहुँचते हैं, जो कहीं बुलाए वहाँ पहुँचते हैं और तत्काल कार्य भी होता है। जो नहीं नागुश क्या, अभी जैसे उन्होंने एक हमारे जसपुर विधानसभा मेरे हिसाब से एक सरकारी अस्पताल में एक मशीन लगाई है एक्सरे वाली, इसके अलावा किसी गांव में ना तो वो सड़क बनाई ना किसी गांव में वो गए, तो इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि इस बार नया युवा प्रत्याशी अरविंद पांडे जी को बनाया जाए, जो विकास की लहर हो सके। हम पार्टी से मांग करना चाहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी से, जो भी टिकट दे तो ऐसे प्रत्याशी को दे जो पब्लिक की सुन सके, पब्लिक के बीच में जा सके, वो कार्य हो सके। तो आज हिसाब से तो इसे एक्सरे मशीन के अलावा कोई कार्य हुआ नहीं है किसी गाँव में, कहीं ना कोई रोड बनी है।